आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। न्यूट्रॉन होता है एक आवेशहीन कण। अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे। अम्लों में समान रूप से पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सर्वाधिक कहाँ पे होगा? ध्रुवों पर। कैंची उदाहरण है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है, तो पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई होता है, फोर्स बटा लेंथ। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पृथ्वी और चंद्रमा के भार का अनुपात होता है 6:1। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 740 वाट के। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम किस पे लागू होता है? मोटर पर। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 78। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोरोना। निपाह वायरस कैसे फैलता है? चमगादड़ और सूअर से। किस वर्ग के पौधे का शरीर जड़ पत्ती और शरीर में तना में विभक्त नहीं होता है? तो थैलोफाइटा का। कौन सा भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है? तो एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। भूकंप तरंग में और भी तरंग होता है, पी तरंग होता है, एल तरंग होता है, तो एस तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। उधर पातन होने वाले पदार्थों के उदाहरण है कपूर, आयोडीन, नेपथिलीन। उधर पातन क्या होता है? तो किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदले बिना सीधा गैस में बदल जाना। ठोस से जो सीधा गैस में बदल जाता है उसे उस तरह के पदार्थों को हम लोग उस क्रिया को उद्वपातन कहते हैं। विद्युत आवेश को किस उपकरण से मापा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर से। आंवला में कौन सा विटामिन होता है? तो आंवला में विटामिन सी होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।